हमारा प्रभु उद्धारक यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है आज के दिन भी पवित्र आत्मा हमारे बीच में दृढ़ रूप से संचार करते हुए सत्य की गहराइयों में हमें चलाकर इस हफ्ते भी पवित्र आत्मा हमें जो वचन दिखाना चाहता है परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें वो प्रकट करे इर्मिया अध्याय तीस वचन तेईस देखो यह की जल जलाहट की आंधी चल रही है वो अति प्रचंड आंधी है दुष्टों के सिर पर वो जोर से लगेगी एक अच्छी सी वायु के बारे में यहाँ पर पवित्र आत्मा भविष्यवत्ता को प्रकट कर रहा है उस वायु का नाम क्या है अति प्रचंड आंधी वो वायु जो है वो कैसी है वो परमेश्वर की आंधी है वो प्रचंड आंधी है तरह तरह की वायु को हम देख रहे हैं ठंडी हवा जो बहती है उन्नत रूप से हम पर से होके गुजरती है महान हवा जोर से जैसे तूफानी हवा जैसे जोर से लग के जाने वाली तूफानी स्वभाव वाली एक वायु के बारे में यहाँ बताया गया है वो जल जलाहट की आंधी है वो परमेश्वर की वायु है उसे एक नाम यहाँ बाइबल में हम पढ़ते हैं वो जल जलाहट की आंधी है अति प्रचंड आंधी ये किसी को जोर से लगेगी उठेगी अति प्रचंड आंधी की तरह उठ के दुष्टों के सर पर वो जोर से लगेगी और उसका नाश करेगी उन्हें सजा देगी कहकर यहां पर वचन बता रहा है पिछले हफ्ते याकूब नाम का एक व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में एक विशेष मनुष्य था ये जब हमने देखा तो याकूब के कई सारे गुण और लक्षण को हमने देखा था यहाँ इर्मिया अध्याय तीस को पूरा अगर हम देखेंगे तो वहाँ एक दिन के बारे में बताया गया है अगर यहाँ आखिरी वचन को अगर देखेंगे तो अंत के दिनों में तुम इस बात को समझ सकोगे हो सकता है लोग यहाँ धरती पर रहने वाले एक भी उस दिन के बारे में जो चेतावनी दे रहा है फिर भी उन अंत के दिनों के बारे में भयंकर स्थिति के बारे में जरा भी नहीं सोचते हैं ये लोग फिर भी परमेश्वर कहता है वचन 24 में अंत के दिनों में वो समझ सकेंगे आप समझेंगे या मैं समझोंगे ऐसा पवित्र आत्मा बताता है वचन तीन से वचन आठ तक अगर देखेंगे तो ऐसे दिन आते हैं कह के एक दिन के बारे में भयंकर स्थिति के बारे में परमेश्वर बात कर रहा है वो यानी ऐसा दिन कैसा होगा ऐसे दिन में याकूब कैसे होगा ऐसे दिन में उस अंत के दिन में हम सब कैसे समझ सकेंगे ऐसे दिन में कैसे कार्य होंगे इन सब के बारे में यहाँ इस अध्याय में अच्छी तरह बताया गया है वो दिन भयंकर होगा वो अंत का दिन होगा हम सब इस बात को समझने का दिन ज्ञान पाने का एक दिन जल जलाहट की आंधी के साथ आने वाला दिन यहोवा का भड़का हुआ क्रोध शांत नहीं होगा ऐसा दिन कहकर उस दिन के बारे में वचन तीन से वचन आठ तक बहुत ही अच्छी तरह बताया गया है वो दिन कौन सा दिन वो अंत में आने वाला एक दिन एक मनुष्य के जीवन में उदाहरण के लिए उड़ाऊ पुत्र के जीवन को अगर देखेंगे तो जब उसे वो अपने आपे में आया वो दिन बहुत ही खास दिन था जब तक वो समझ ना सका तब तक उसकी जिंदगी नाश हो गई थी लेकिन एक दिन उसके जीवन में ऐसा आया कि वही दिन अंत का दिन था परमेश्वर का भड़का हुआ क्रोध उस पर आके जब तक वो समझ नहीं सकेगा ऐसा एक दिन उस उड़ाऊ पुत्र के जीवन में आया था वही दिन अंत का दिन था उसी तरह हम धरती पर जी रहे हैं मनुष्य परमेश्वर के दिन के बारे में या अंत के दिनों में होने वाले कार्य के बारे में अभी तक नहीं समझ सके हैं लेकिन जल्द ही समझ सकेंगे ऐसा अंत के दिन आएंगे ये हम देख रहे हैं भविष्य वक्ता इरमिया से जब यहोवा कहता है उस समय में देखें तो याकूब को छुड़ा के दंड दूंगा मेरी दृष्टि में वो विशेष व्यक्ति बन गया है इसलिए उसे बंधवाई से छुड़ाकर उसकी वृद्धि करके उसे महिमान्वित करूंगा कह के वो हमसे पिछले हफ्ते वचन के द्वारा बताया था उस समय में अगर एक बात पर गौर करेंगे तो याकूब के शत्रुओं के साथ परमेश्वर क्या करेगा जब ये देखते हैं तो वचन सोलह को अगर देखेंगे तो जितने तुझे आप खाए लेते हैं वे आप ही खाए जाएंगे और तेरे द्रोही आप सबके सब, सब बंधुआई में जाएंगे और तुझे लूटने वाले आप लूटेंगे और जितने तेरा धन छीनते हैं उनका धन में छिनवाऊंगा ये सब शत्रुओं के विरोध में परमेश्वर जो कह रहा है उस कार्य को हम देख रहे हैं इसराइली और यहूदी प्रजा के विरोध में जो हो रहा है प्रजा के साथ होने वाले कार्य के बारे में परमेश्वर यहाँ वचन 16 में स्पष्ट रूप से बता रहा है वचन 8 इस तरह बताता है सेनाओं के यहुवा की यह वाणी है कि उस दिन मैं उसका रखा हुआ जुआ तुम्हारी गर्दन पर से तोड़ दूंगा और तुम्हारे बंधनों को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा और परदेशी फिर उनसे अपनी सेवा न कराने पाएंगे ये सब परमेश्वर किसके बारे में कह रहा है याकूब को गुलाम बनाने वाला याकूब के गर्दन पर रखा हुआ शत्रु का जुआ जो है, उसे याकूब के गर्दन पर से तोड़कर बंधनों को टुकड़े-टुकड़े कर डालूंगा कहकर परमेश्वर कह रहा है पिछले वर्ष को हम भाग दौड़ करके लट्टू की तरह घूम रहे थे पीड़ा वेदना समस्याएं इनके इनके अलावा हमें आशीर्वाद कब मिलेगा ये सोच के राह देख रहे थे हम सब समस्याएं बाधाएं बहुत ही आत्मिक जीवन में अधिक दिखाई पड़े दैनंदिक जीवन को भी जी कर देखा है समाधान नहीं है समस्याओं से भरा जीवन सब गड़बड़ है समस्याएं वेदना पीड़ा जीवन एक है इसके लिए स्वयं कई बार पता है हम भी उनका कारण बन जाते हैं याकूब भी उसी तरह व स्वयं उसकी समस्याओं का याकूब ही कारण बना था उसने जो अधिक से अधिक आक्रम किए हैं उसके निमित्त उसके पाप के निमित्त परमेश्वर ने उन समस्याओं को आने दिया था उसे मैंने दंड दिया है उसे दंड दिए बिना रहने के बजाय कहता है कि उसे मैंने दंड दिया है तब आप जब अपने आप को देखते हैं तो ये समस्याएं क्यों हैं पिछले साल पूरा समस्याएं क्यों आई पिछले साल क्यों सब कुछ गड़बड़ था समाधान ना होने की स्थिति यानी हमारी वजह से ही हम जो अंधेर करते हैं उनके निमित्त हम जो पाप करते हैं उनके निमित्त परमेश्वर इन्हें आने दे रहा है वचन तेईस ही वो वचन है जिसे हम आज देखने वाले हैं देखो यहोवा की जल जलाहट के आंधी चल रही है वो आती प्रचंड आंधी है दुष्टों के सिर पर वो जोर से लगेगी आज वो प्रचंड आंधी दुष्ट को नाश करने के लिए जो आंधी आई है वो कैसी है उस आंधी का स्वभाव कैसा है बाइबल हमें क्या सिखाता है आत्मिक रहस्य इस आंधी में जिसे परमेश्वर ने छुपा के रखा है उसे पवित्र आत्मा प्रकट करेगा दुष्ट को दुष्ट को वो खाए लेता है दुष्ट को दुखी करेगा दुष्ट को बंधवाई में डालेगा वो दुष्ट जो लूटने वाले हैं खुद लुटेंगे दुष्ट को दंड देगा वो लूटने वाले आप लूटेंगे। आकान के बारे में हमने देखा है ना उसने इसराइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है उसने पाप किया है जी हाँ लूट में से तू अपने घर कुछ मत लाना कहा था परमेश्वर ने फिर भी आकान ने बात न मानकर लूट के चीजों में से एक मामूली सी जी हाँ मामूली सी सुंदर ओढ़ना शिनार देश का था वो उसे ले आके उसका उसने उपयोग भी नहीं किया था उसे उसने अपने डेरे के भीतर भूमि में गाड़ दिया उसने ऐसा क्यों किया कैसा कि पागलपन था पता नहीं लेकिन आकान के इस बुद्धिहीन कार्य की वजह से उसका सारा परिवार वो वो खुद उसके बच्चे उसके सब लोगों पर पथराव किया गया था उनका नाश हो गया था उसी तरह अगर हम अनजाने में दुष्टकारी में पड़ सकते हैं हम जो करते हैं वो हमारी नज़र में अच्छा हो सकता है दूसरों के नज़र में वो गलत हो सकता है हमारी नज़र में वो अच्छा है ऐसा हम सोचने की वजह से हम उस गलती को कर बैठते हैं ये जो परमेश्वर का प्रचंड आंधी है वो जब वचन बताता है तो बखूबी बताता है जल जलाहट के आंधी मामूली सी वायु नहीं है भयंकर रूप धारण करने वाली वायु है वो किसकी वायु है परमेश्वर का है कैसे बहती है ये हम अब देखने वाले हैं। चार तरह से वो जोर से लगने वाला स्वभाव का है बाइबल में पवित्र आत्मा ने मुझे जो प्रकट किया है वो आपके सामने रख रही हूँ आयु पुस्तक से उसके चरित्र को देखते हैं अध्याय एक को देखिए वचन उन्नीस को पढ़ते हैं आप सब भी सुनिए कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वो जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली कैसी वायु चली थी वो प्रचंड वायु थी वो कैसे आई थी जंगल की ओर से आई थी और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा एक घर पर झोंका मारने वाला एक प्रचंड वायु हमारे निवास स्थल हमारा परिवार सहदमंद होना चाहिए आशीषित होना होगा समाधान होना होगा फल फूल की वृद्धि होनी चाहिए ऐसा ही हर कोई चाहता है लेकिन देखिए एक वायु ऐसा झोंका मारता है जंगल की ओर से आने वाली वायु इस घर पर झोंका मारने वाली ये वायु बहुत ही भयंकर है ये वायु जंगल की ओर से आने वाली उस वायु के बारे में जरा सोच के देखिए वचन तेरे को देखते हैं एक दिन अयुब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दाक मधु पी रहे थे खा रहे थे और दाक मधु पी रहे थे तब किसके घर में बड़े भाई के घर में सात बेटे और तीन बेटियां अयुब के संतान थे इन लोगों का दैनंदिन कार्य कैसे हैं इस हफ्ते एक के घर जाएंगे और दूसरे हफ्ते वहां खाएंगे पियेंगे अपनी बहनों को बुलाना भाइयों को भी बुलाना वो खाना खाना और दाक मधु पीना एक आदत से बन गई थी हम यही देख रहे हैं मेरे प्रियजनों अयुब के बारे में वो बहुत ही खरा सीधा मेरा भय मानने वाला बहुत ही धर्मी है और क्या के स्वयं परमेश्वर कहता है पहले अध्याय के वचन आठ को देखेंगे तो शैतान को देखकर यहोवा युब के बारे में ऐसा बताता है यहोवा का भय मानने वाला बुराई से दूर रहने वाला धर्मी है ऐसा इस धरती पर दूजा कोई नहीं है ऐसा परमेश्वर ने ही गवाही दी थी ये हम देख सकते हैं अयुब इतना धर्मी था उसके सारे बच्चे खा के दाख मधु पी के वो आनंद मनाते थे। मेरे प्रियजनों अगर हम देखेंगे तो वचन चार और पांच को पढ़ते हैं, उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे अगला वचन बहुत अच्छी तरह बताता है जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते बच्चे ऐसा करते हैं ये अयुब जानता था वो सब भाई और बहने मिलकर भोज करके पी कर आनंद मनाते हैं ये जानकर। यहाँ वचन पाँच में आयुब क्या करता है तब तब अयुब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बली चढ़ाता था, था क्योंकि अयुब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो इसी रीति अयुब सदैव किया करता था अयुब ने प्रियजनों जो भी किया था वो हमारी दृष्टि में परमेश्वर की दृष्टि में पता है वो धर्मी था सीधा मनुष्य था अपने बच्चे कहीं पाप ना कर बैठे अक्रम ना करे ये सोच के बच्चों के लिए ये होम बलि चढ़ाता था बच्चों के लिए इसी रीति सदैव करता परमेश्वर के सम्मुख उन्हें शुद्ध करने की सोच कर वो आशा करता है ये सच है फिर भी क्यों उसके बच्चों के घर पर जंगल की ओर से आई एक प्रचंड वायु परमेश्वर की जलजलाहट की आंधी आके जोर से लगी परमेश्वर ने हर एक जो उद्धार पाता है वो उसी के पास होता है अगर मैंने उद्धार पाया है तो मेरे बच्चों की रक्षा की कोई आश्वासन नहीं है मैंने उद्धार पाया है मतलब मैं स्वर्ग लोक में जा सकती हूँ या मेरी पवित्रता के निमित्त या मेरे उद्धार पाने के निमित्त मेरे बच्चे स्वर्गलोक नहीं जा पाएंगे ये बात हम आयुब की जिंदगी में हम चारित्रात्मक रूप से अच्छी तरह समझ सकते हैं उसने सोचा कि उसके बच्चे भी उद्धार पाने लायक हो इसीलिए उनके लिए प्रार्थना की वो चाहता था बच्चे पवित्र जीवन जिए अपने बच्चों के लिए होम बलि चढ़ाता था फिर भी बच्चे पवित्र हैं क्या? उसका परिवार पवित्र था। उसका का अनुग्रह उसका रहस्य कार्य ठिका रहा अगर हम ये देखेंगे तो नहीं एक मनुष्य की वजह से नोह की वजह से उसका सारा परिवार जहाज के अंदर चला गया अच्छी बात है लेकिन उस एक मनुष्य के उद्धार की वजह से उसका पूरा परिवार स्वर्गलोक नहीं जा पाएगा यहाँ पर जंगल कह के जब कहा है जंगल की ओर से आई एक प्रचंड आंधी कह के जब कहा है तो वो आत्मिक जंगल को सूचित कर रहा है उसके परिवार में आत्मिक जंगल दिखाई पड़ा है उन बच्चों के बीच में प्रार्थना जीवन की कमी दिखाई पड़ती है जिम्मेदारी लेकर परिवार को चलाने वाले घर के मुखिया में प्रार्थना जीवन है उद्धार है पवित्रता है यह होवा का भय मानने वाला है होंग बलि चढ़ाने का स्वभाव है उसमें वो यह होवा का भय मानता था फिर भी उसके बच्चों में एक जंगल जंगल यानी एक खालीपन शून्य से एक परिस्थिति को हम यहाँ देखते हैं उन बच्चों के जीवन में प्रार्थना नहीं है उन बच्चों के मन में भय नहीं है उन बच्चों में एक आत्मिक क्रम नहीं है ऐसी एक स्थिति को आयुब के बच्चों के जीवन में हम देख रहे हैं क्योंकि वचन बताता है वो खा के दाख मधु पिया करते थे दे दे प्रे मिलते थे सब लोग मिलकर एकजुट होकर प्रार्थना करेंगे इसलिए नहीं मिलते थे वो लोग वो अपने भाइयों को बहनों को बुलवाकर अपनी हैसियत दिखाते अपने धन की शान दिखाने भोज करवाया था प्रार्थना जीवन तो उनमें है ही नहीं ये हम यहाँ पर अच्छी तरह देख सकते हैं मेरे परियजनों क्योंकि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं है मेरे परिजनों बखारियाँ तोड़कर उन्हें बड़ी बना के प्राण तेरे पास बहुत संपत्ति रखी है चैन कर खापी सुख से रह कह के एक धनवान ने अपनी बखारियां तोड़ के बड़ी बनवाई थी याद है ना परंतु परमेश्वर ने उससे कहा हे hey, मोर किसी रात तेरा प्राण तो उससे ले लिया जाएगा तो तेरी आत्मा की क्या दशा होगी अपनी बखारियों में तूने जो कुछ भी जमा करके रखा है वो बखारियां तेरे बन के रहेंगी क्या वो सब कौन लेगा ऐसा प्रश्न कर रहा है लगता है आपको और मुझे देख के प्रश्न कर रहा है आयुब अध्याय 27 वचन आठ में जब परमेश्वर भक्तहीन मनुष्य का प्राण ले ले तब यद्यपि उसने धन भी प्राप्त किया हो तो भी उसकी क्या आशा रहेगी ऐसा अयुब का पूछना बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है इसीलिए अपने सारे बच्चे जब बलि बन गए उसके बच्चों के घर पर प्रचंड आंधी का झोंका मारा जंगल की ओर से प्रचंड आंधी चली तब उसने जो बात कही वो बहुत ही अच्छी बात थी परमेश्वर ने ही दिया है उसी ने ले लिया परमेश्वर की स्तुति हो नग्न ही आया था नग्न होकर ही उसके पास वापस चला जाऊंगा ऐसा परिपक्व मन था अयुब का इसका कारण उसने अध्याय सताइस वचन आठ में बताई बातें ही है जब परमेश्वर भक्तहीन मनुष्य का प्राण ले ले तो उसकी क्या आशा रहेगी ये अयुब जानता था अच्छी तरह जानता था दूसरी एक वायु पहले वो प्रचंड आंधी कैसे आई थी जंगल के ओर से चलने वाली आंधी जब जंगल के ओर से कहा तो आत्मिक जीवन आपके घर में परिवार में है क्या इसकी जरा सोच के देखिए अचानक बीमारी आती है अचानक पाप अचानक आक्रम अचानक एक विपदा अचानक एक कार्य आपके परिवार में घट रही है क्या आपको एक बात सोचनी पड़ेगी मैं हर दिन बाइबल पढ़ती हूँ हर दिन प्रार्थना करती हूँ ये सोच के खुश होना जिंदगी नहीं है हर दिन सही करना आनी है, आनी है कह के होम बली चढ़ाता था, था तब हमारे परिवार में सिर्फ हम द्वार पर खड़े होकर प्रार्थना करने की वजह से हो सकता है हमारा परिवार बच जाए उस जंगल की प्रचंड वायु से आकर क्षण भर में हो सकता है हम उसे बच जाएं फिर भी जंगल की ओर से जो प्रचंड आंधी आती है परमेश्वर की आंधी जो उसका क्रोध है वो जब उस परिवार परिवार पर जोर से लगेगी तो टूट जाता है उसके लिए हमें तैयार रहना होगा प्रभु मेरा परिवार टूट ना जाए मेरे परिवार का हरेक व्यक्ति उद्धार पा सके हरेक व्यक्ति आत्मिक अनुभव को प्राप्त कर सके यही आपकी प्रार्थना होनी चाहिए पहले हमारे परिवार की रक्षा होनी चाहिए उसके बाद देश की रक्षा के लिए प्रार्थना करनी होगी मैंने उद्धार पाया है मेरा पति नहीं पाया तो मेरे पति ने पाया है मैंने नहीं पाया तो दोनों उद्धार पाके सेवा कर रहे हैं लेकिन घर के बच्चों ने उद्धार नहीं पाया तो प्रभु वो एक बंदुए की स्थिति है तब परिवार की रक्षा करने के लिए परिवार में आत्मिक जंगल है क्या ऐसा आपको मुझे सोच कर पता लगा के उसे ठीक करना होगा संवारना होगा अगर कार में कोई गड़बड़ है तो उसकी क्या समस्या है ये हम जांच करते हैं ब्रेक ठीक नहीं है तो गेयर ठीक नहीं है या फिर टायर में हवा नहीं है तो उसे ठीक करते हैं जांच करके समस्या को हल करते हैं तभी वो कार फिर से चलेगी उसी तरह हमारा जीवन हमारा परिवार बच्चा अगर सही नहीं है तो उसके लिए जो प्रार्थना करते हैं वो दस गुना अधिक करना होगा तब उस बच्चे का आत्मिक जीवन उस जंगल का परमेश्वर जिम्मेदारी लेगा वो बच्चा उद्धार पाएगा मतलब आपका परिवार स्वर्ग में जाएगा दूसरी एक वायु बाइबल बताता है आयुब अध्याय सत्ताईस वचन बीस को पूरी तरह से सुनेंगे भय की धाराएं उसे बहा ले जाएंगी रात को बावंडर उसको उड़ा ले जाएगा रात के समय एक बहुत बड़ा बावंडर आएगा पहले जंगल के मार्ग से आई अब रात के समय जो वायु चलेगी वो उसे उड़ा ले जाएगा किसको उड़ा ले जाएगा वचन तेरह को देखेंगे तो दुष्ट मनुष्य का भाग परमेश्वर की से ये है और बलात्कारियों का अंश जो वे सर्वशक्तिमान के हाथ से पाते हैं वो भाग किसके लिए है पता है किसके लिए है किसे वो प्रचंड आंधी जोर से मारेगा उसे जो भक्तिहीन मनुष्य होता है भक्तिहीन मनुष्य हम सबको इस वचन के बारे में सोचना होगा भक्तिहीन मनुष्य, ये बवंडर कब आता है रात के समय आता है रात के समय कब आता है अचानक से आता है गहरी नींद में जब होते हैं तो डीप एंड साउंड स्लीप क्या हो रहा है इर्द गिर्द क्या कुछ हो रहा है पता नहीं चलता अयु बता रहा है देखिए एक भक्तिहीन के बारे में अध्याय 21 वचन 17 इस तरह बताता है कितनी बार दुष्टों का दीपक बुझता है या उन पर विपत्ति आ पड़ती है वचन 17 ऐसा बताता है उन पर विपत्ति आ पड़ती है विपत्ति उन पर आ पड़ती है किस तरह आती है अचानक से वो भक्तहीन को उड़ा ले जाएगा विनाश को लाने वाली आंधी रात को आने वाली बवंडर, अचानक से खबर सुनते हैं मेरे प्रेजनो, अचानक आने वाला विनाश उस पाप भरे जीवन में जीने वाले उस मनुष्य के जीवन में जिस तरह दीपक बुझ जाता है उसी तरह भयंकर विपत्ति उन पर आती है ऐसा बाइबल में हम पढ़ रहे हैं मेरे प्रियजनों अचानक परिवार में विनाश ना हो इसके लिए हमें सदा हर समय में परमेश्वर के चरणों पर प्रभु प्रभु हमारे परिवार पर अनुग्रह कर तेरा अनुग्रह हमारे परिवार को चाहिए रात के समय हमारे जीवन में बवंडर की तरह प्रचंड वायु ना आए ऐसा अनुग्रह करके हमारी रक्षा कर कहते हुए अकेले द्वार पर खड़े होने के बजाय उसके बारे में हमें बच्चों को छोटों को बड़ों को उसके बारे में सिखाने की बहुत आवश्यकता है आप अकेले उद्धार पाकर द्वार पर खड़े होकर मैं प्रार्थना कर रही हूँ उसका अनुभव और परिवार के साथ मिलकर पूरे परिवार के उद्धार के लिए परमेश्वर की खोज करने के अनुभव और जीवन में कितना फर्क होता है न हले इस तरह आपका परिवार हम सब के परिवार आत्मिक जंगल नहीं आत्मिक वृद्धि पाए ऐसा हम सब मिलकर हम प्रार्थना करने वाले हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर हमें आशीर्वाद देने के लिए परमेश्वर इच्छा रखता है इसलिए आंखें बंद करके प्रार्थना के साथ इस आराधना का समापन करते हैं पवित्र पिता तूने हमें आत्मिक सत्य को प्रकट किया है इट्स ए कॉशन लॉट हमें तूने एक चेतावनी दी है हमारे परिवार कैसे होने चाहिए किस तरह उनकी रक्षा करनी होगी परमेश्वर का प्रचंड आंधी बवंडर हम पर नहीं चलनी चाहिए इसलिए हमें चेतावनी के साथ रहना होगा ये बताकर इस समय तूने हमसे बात की है पिता ये तेरा स्वर जहाँ जहाँ सारी दुनिया में जहाँ भी ये आवाज़ पहुँच रही है जिनके कानों में ये आवाज़ गूंज रही हो उन सब के परिवार की रक्षा कर पिता परमेश्वर उन परिवार के लिए एक रक्षा उन परिवार के लिए सुरक्षा उन परिवार के लिए पवित्रता उन परिवार के लिए न्याय प्रमाणित ये ग्रंथ उनके मुंह से एक दिन भी दूर ना हो हर समय यीशु मसीह के साथ जुड़कर मिलकर स्थिर होकर मजबूत होकर प्रभु हम पर अनुग्रह करने की आपके चरणों पर गिर के प्रार्थना कर रहे हैं हमारे जीवन तुझे दे रहे हैं पिता इस संदेश को सुनने वाले केवल सुन के ना चले जाएं इसे अपने परिवार के साथ अभ्यास कर सके ऐसा उन परिवार की रक्षा कर सके प्रभु हम पर अनुग्रह कर यीशु के शक्ति भरे नाम में प्रार्थना कर रहे हैं हमारे अच्छे पिता परमेश्वर आमीन प्यारे साथियों बहन नलनी विल्सन का विनयाड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत हर रविवार सुबह साढ़े नौ बजे से लेकर साढ़े ग्यारह बजे तक इसमें अभिषेक के साथ आराधना भी हो रहा है उसमें भाग लेने के लिए कलिसिया में प्रत्यक्ष आमंत्रित करते हैं जगह सेवकाई मंदवली बस डिपो के पास कनाल बैंक रोड मंदवली चेन्नई ट्वेंटी अधिक जानकारी के लिए नौ नौ छह दो छह दो तीन 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 डबल नाइन सिक्स टू सिक्स टू डबल थ्री डबल थ्री आरोप कॉल करें बहन नलनी विल्सन का बुनियाद सेवकाई द्वारा प्रस्तुत लगातार प्रार्थना नॉन स्टॉप प्रेयर हर दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको लगातार प्रार्थना के लिए प्रत्यक्ष और ऑनलाइन गूगल मीट के द्वारा आमंत्रित करते हैं प्रत्यक्ष आने वाले नंबर सात साउथ कैनाल बैंक रोड मंदवली बस डिपो के पास में मंदवली चेन्नई अठाईस पर आए ऑनलाइन गूगल मीट में आने वाले अधिक जानकारी के लिए नौ नौ छो छ तीन 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 आरोप कॉल करें St. John's Senior Secondary School. Admissions open. From kindergarten to 12th standard. Admission now in progress. Nobel laureates are not created in huge research facilities but in a humble school labs. With the incredible success of the 50 Golden Jubilee years. Let your child go on a journey of imagination and creativity. St. John's.